हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेल्स फॉर कनाडा। गाइस कैसे हैं आप सब? आप सब बेहतरीन कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। आज फिर से स्वागत करता हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ ट्रेल्स फॉर कनाडा में। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कैसे मेरे साथ क्या हुआ और क्या क्या चीज़ें जो मैंने गलतियाँ की वो आप ना करें। तो ये भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखना और कुछ लर्न जरूर करना। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मोटिवेशन मिलती है जैसे मैंने आपको बताया था। तो करते हैं वीडियो को प्रारंभ। हेलो गाइस, सो आज की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है वो PCC की रिगार्डिंग है, जो हम बोलते हैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो गाइस बेसिकली पहले मैं बात करूँगा कि PCC है क्या, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और एक थर्ड पार्टी यूनिट होती है BLS, जो स्पेशली कनाडा में है, और वो हेल्प करती है आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कराने के लिए। आप डायरेक्टली एम्बेसी में कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो बेसिकली PCC हमें चाहिए क्यों होता है? बेसिकली गाइस PCC चाहिए होता है, इधर आपकी जो एम्प्लॉयर है वो डिमांड कर सकता है PCC की, या तो आपने PR अप्लाई करनी है तो PCC आप कर सकते हैं। तो PCC बेसिकली है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, या फिर आप सिटीजनशिप अप्लाई कर रहे हैं कनाडा की या कहीं भी और की, तो PCC वैलिड होता है और PCC करवा सकते हैं। तो अब होता कैसे है PCC? जैसे मैं सपोज़ करो मैंने PCC करवाना, ठीक है, तो मैं कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करूँगा एम्बेसी में। मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता सेंड, तो एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको BLS बोलते हैं, मैं उनको दूंगा डॉक्यूमेंट्स, वो सेंड करेगा एम्बेसी को, एम्बेसी सेंड करेगा इंडिया, वेरिफिकेशन इंडिया होकर दोबारा एम्बेसी में आएगी, फिर BLS के थ्रू मेरे पास आ जाएगी। तो एक चैनलाइज्ड पाथ है। अब जो ये डॉक्यूमेंट्स, इसमें क्या क्या लगते हैं PCC में, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो PCC में एक तो आपकी फ़ोटोग्राफ होगी वो लगेगी, आपका पासपोर्ट लगेगा, आपका अगर वर्क परमिट है तो वो लग जाएगा, अगर स्टडी परमिट है वो लग जाएगा, या फिर अगर PR है तो PR का कार्ड लग जाता है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है कि आपको एक ऐसा रेजिडेंस प्रूफ दिखाना पड़ेगा जहाँ पे आपका PCC डिलीवर हो। तो वो आपका मोस्ट ऑफ द केसेस में ड्राइविंग लाइसेंस होता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी लगती है। तो वो आप ऐड करके आप अपनी एप्लीकेशन में प्रोसेस कर सकते हैं। अब प्रोसेसिंग कैसी होती है एप्लीकेशन? आपने ऑनलाइन जाना है BLS की वेबसाइट पे, वहाँ पे लिंक आता है, वहाँ से आपने एम्बेसी कॉन्सुलेट की वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल कर देना है लॉगिन करके। वो फॉर्म प्रिंट करा के वहाँ पे फोटोग्राफ लगा के अपने सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके BLS पे सबमिट कर सकते हैं। इसके भी दो तरीके हैं, इन पर्सन जा सकते हैं वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट हमारी प्योर लेटर के थ्रू हो जाती है, तो उसमें थोड़े से ज़्यादा पैसे लगते हैं, पर कन्वीनियंट है क्योंकि घर पर सारा कुछ हो जाता है। पैसे थोड़े से ज़्यादा लगते हैं, बट इट्स ओके। अगर आप मान लो बड़ी सिटीज़ में नहीं हो, इफ़ यू आर नॉट इनटू वैंकूवर, इफ़ यू आर नॉट इन टोरंटो, तो जहाँ पे कॉन्सुलेट है तो आपको प्योर लेटर के थ्रू ही करना पड़ेगा। दूसरा जो ऑप्शन है वॉकिन का, वो मैं वॉकिन वाला भी करा चुका हूँ और प्योर लेटर वाला भी। तो जब मैंने वॉकिन वाला करवाया था तो वो भी मेरे को कन्वीनियंट ही लगा, कुछ ऐसे खास नहीं होता, आपको जाना होता है ना, वहाँ QC बनी होती है, आपको डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट करने होते हैं, सब कुछ ईजी होता है, मतलब कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट टूल और कोई भी डिफ़िकल्टी आपको फेस नहीं करनी पड़ती। हाँ, अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। ये तो थी इन्फॉर्मेशन BLS की, राइट, BLS की, PCC की, क्या क्या आप कर सकते हैं, कैसे कैसे होता है। तो बेसिकली गाइज, अब मैंने जो आपको चैनलाइज पाथ बताया था उसके ऊपर फोकस करना, उस दौरान मेरे साथ क्या हुआ जो मैंने गलती की। तो गाइज, मैं जब येलो नाइफ में था तो मैंने अपनी PR के लिए PCC करवाना था, और मैंने सेम वही प्रोसेस प्योर लेटर के थ्रू सेंड किया। अब गड़बड़ क्या हुई? गड़बड़ ये हुई कि जो मेरा पुराना घर था वहाँ से मेरे पेरेंट्स मूव कर चुके थे एक नए घर पे, और मेरे पास जो पासपोर्ट एड्रेस था वो पुराने घर का था। तो मैंने क्या किया, जब मैंने फॉर्म फिल किया तो मैंने उनको एक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन डाली कि आई एम सबमिटिंग माय PCC एप्लीकेशन, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ प्रोसीड द पुलिस वेरीफिकेशन टू माई न्यू हाउस, मैं अपने पेरेंट्स का आधार कार्ड अटैच कर रहा हूँ। तो मैंने वो भेज दिया उनको। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो भी नॉर्मल प्रोसेस चैनलाइज बेस से BLS एम्बेसी के पास गया, एम्बेसी ने नए घर पे पुलिस वेरिफिकेशन भेज दी, मतलब पुलिस स्टेशन होता है वहाँ के थ्रू होती है। तो जब नए एड्रेस पे गई तो उसके बाद क्या हुआ, हमने बात की पुलिस स्टेशन वालों से, मतलब फादर को जानते थे मेरे फादर साहब को कोई, तो वहाँ से बात हुई। तो वो कहते ठीक है जी हम आ जाएंगे। वो घर आए उन्होंने बोला कि आपके पास कोई आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है? फिर उन्होंने पापा ने बोला कि नहीं उसका तो कोई नहीं है, हम अपना भेज सकते हैं आधार कार्ड जिसके ऊपर उस मतलब सेम है उसके डॉक्यूमेंट्स, और हमारे आधार कार्ड पे डॉक्यूमेंट्स के नेम सेम है। तो पहले तो कहते ठीक है हो जाएगा, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरा PCC डिनाई कर दिया, मतलब नेगेटिव रिपोर्ट भेज दी BLS एम्बेसी को। तो वहाँ से क्या हुआ, नेगेटिव रिपोर्ट आई और फिर मेरा PCC कैंसिल हो गया।
फिर एक दिन अचानक मैं काम पे था, मेरे को कॉल आती है इंडियन कॉन्सुलेट से, वैंकूवर से. तो उन्होंने बोला कि आई एम टॉकिंग टू सौरभ. मैंने कहा जी सौरभ बात कर रहा हूँ. तो कहते कि यू अप्लाइड फॉर पीसीसी, योर पीसीसी गॉट डिक्लाइंड और यू गॉट अ नेगेटिव रिपोर्ट. सो वट यू वॉन्ट टू डू, लाइक वेयर यू एक्चुअली वॉन्ट टू गेट योर पीसीसी वेरीफाइड, नए एड्रेस पे या पुराने एड्रेस पे? तो पहले मैंने कहा मेरे को कुछ टाइम दोगे आप, मतलब थैंक यू बोला मैंने उनका और उनको बोला कि प्लीज़ गिव मी सम टाइम, मैं आपको रिवर्ट बैक कर दूंगा अगर आप मेरे को ईमेल दे दें या कुछ ऐसा. तो कहते हैं कि आपको ईमेल भी किए मैम ने, आप उस ईमेल पे रिवर्ट बैक कर देना. फिर मैंने थोड़ा सोचा और एनालाइज़ किया कि अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो फिर मैंने उनको बोला कि हाँ मेरे पुराने एड्रेस पे आप पीसीसी सेंड कर दीजिए और मैं वहाँ से वेरीफिकेशन करा लूँगा. विद इन अ टू डेज़ पुराने एड्रेस पे पुलिस गई और वहाँ से वेरीफिकेशन नेबर्स ने कर दी. तो कितना ईजी हो गया, मतलब आज की वीडियो की जो मेन मकसद है और जो आपको लर्निंग करनी है वो ये है गाइस. देखो अगर पीसीसी अगर आपने करवाना है और आपका अगर एड्रेस भी चेंज हो चुका है तो आप पुराने एड्रेस पर भी पीसीसी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं. अब वो कैसे होती है, आप अपने नेबर से बात कर सकते हैं, अपने आस पड़ोस में जो रहते हैं पुराने उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि उनके आधार कार्ड और वेरिफिकेशन उनकी भी होती है, क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंट विटनेस होता है, वो उसके थ्रू हमारा पीसीसी आ जाता है. तो आई होप सो गाइज आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो. कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ 1% भी अगर हेल्प होती है आपकी तो मेरे को खुशी बड़ी होती है. तो गाइज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ आती रहेंगी. बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं लाइफ में और कनाडा में, तो मैं पूरी जर्नी को रिकॉर्ड करके आपको बताता रहता हूँ जो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, ताकि कोई और ये गलती ना करे. सो गाइज इसमें दो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए नहीं हैं, वो दो डॉक्यूमेंट्स या दो चीज़ें इंपॉर्टेंट पीसीसी के लिए. पहली चीज़ कितना प्रोसेसिंग टाइम है, दूसरी चीज़ इसमें कितना ही आपका पैसा लगता है या कितने ही आपकी मनी लगती है. तो जो पीसीसी है बेसिकली बीएलएस के थ्रू इतना कॉस्टली नहीं होता, एक्सपेंसिव नहीं होता. मेरे को याद है जब मैंने फ़र्स्ट टाइम पीसीसी करवाया था तो मेरे $7.5 लगे थे मेरे ड्राफ्ट के. उसके बाद जो मेन खर्चा आता है वो हमारा कुरियर का आता है. उस टाइम पे मेरे लगे थे, क्योंकि मैं येलो नाइफ में था, मेरे अराउंड $100 लग गए थे. तो कुल मिला के $120 के आसपास मेरा फर्स्ट टाइम लगा था. बट अगर आप वॉक इन पे जाते हैं तो आपको जब भी मैंने रिसेंटली करवाया था तो $85-86 के आसपास मेरा वॉक इन पे लग गया था. और अगर आप मान लो कि दूर किसी बड़ी सिटी में नहीं हो, स्मॉल सिटी में हो, तो आपको लगा के चलो कि $100-$150 आपका लग जाएगा कुरियर में ला के और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के. तो $100-$150 का आप बजट रखिए. अगर आप बड़ी सिटी में हो, वैंकूवर टोरंटो में हो, तो आपका अराउंड $50-$100 के बीच बीच में लगेगा अगर आप कुरियर करवाते हैं, सॉरी, या फिर लेटर के थ्रू भेजते हैं. बट अगर आप वॉक इन करते हैं, जो रीसेंट बता रहा हूँ आपको, मेरे $85-$86 लगे थे. तो ये तो था पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट है प्रोसेसिंग टाइम क्या रहता है बीपीएलएस का या पीसीसी का. जो मेरा प्रोसेसिंग टाइम था वो मेरे को ऑलमोस्ट लाइक थ्री वीक्स में मेरा यहाँ आ गया था वैंकूवर में. बट जब मैंने येलो नाइफ में कराया था तो मेरे को 6 वीक्स के अराउंड लग गया था, क्योंकि दूर है ना, थोड़ा टाइम लग जाता जाने में. तो ये लगा के चलो आप टाइम फ्रेम. बट ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है. लेटेस्ट न्यूज़ बता रहा हूँ कि लेटेस्ट जो मेरे को लगा है 3 वीक्स लगे हैं. तो 3 वीक्स से 4 वीक्स के आसपास आपको लग जाता है. तो गाइस ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो. अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए चैनल को, और किसी की हेल्प हो जाती है तो अच्छा लगता है गाइस. थैंक यू, बाय बाय. Hello.